नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्वशी सिंह आपके साथ। देश में मॉनसून अब जल्द ही विदाई लेने वाला है। माना जा रहा है कि कुछ दिनों में मॉनसून पूरी तरीके से विदाई ले लेगा। हालांकि पश्चिमी कुछ इलाकों की बात करें तो कम दबाव होने की वजह से यहां पर रुक रुक के बारिश हो रही है। हालांकि हर जगह पर एक साथ एक जैसी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अक्टूबर की शुरुआत में मौसम के क्या मिजाज रहेंगे, इसी बारे में करेंगे आज चर्चा। इसीलिए अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को जरूर देखें। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में मॉनसून देर से वापसी लेगा। वहीं राज्य में 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक रुक रुक कर बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक ये बारिश तेज हो जाएगी, जिसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं और इन तेज हवाओं के चलते बिजली गिरने के भी आसार हैं। वहीं कुछ पहाड़ी इलाकों की बात करें तो पहाड़ों में भी रात का तापमान गिरने की वजह से ठंड शुरू हो गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी सुबह हल्की धुंध महसूस की जा सकती है और तापमान में भी गिरावट है। धीरे ही धीरे तापमान में गिरावट होने की वजह से रात में भी ठंड महसूस की जाएगी। इसी तरह तापमान में गिरावट मौसम को ठंड के आगोश में लेने वाला है। वहीं राजस्थान के कुछ इलाकों में बारिश की वजह से मौसम सुहावना बना हुआ है। दो दिनों में धौलपुर और बांसवाड़ा में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां का मौसम अच्छा बना हुआ है। पिछले 24 घंटों में गोवा और अंडमान निकोबार जैसे महाद्वीपों पर भारी बारिश हुई। इसके अलावा छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पूर्वी राजस्थान में हल्की बारिश हो रही है। प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक बात करें तो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह महाराष्ट्र और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इसी के साथ सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें इन खबर के साथ।